तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक नई अपडेट या कमाल की एक चीज बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसा कि आपको बताया होगा कि गूगल की तरफ से एंड्रॉइड 15 का अपडेट रिलीज होना चालू हो गया, या फिर बोल सकते हैं बीटा वर्जन या टेस्टिंग वर्जन उसका चालू हो चुका है। तो उसके बाद सबसे सबके मन में एक ही चीज रहेगा कि सैमसंग में ये कब आएगा और कौन कौन से डिवाइस में सबसे पहले आएगा। तो आगे मैं आपको एक लिस्ट बताने वाला हूँ जिसके अंदर सैमसंग गैलेक्सी के अंदर इन डिवाइस में अपडेट मिलेगा, मतलब कि ये जो डिवाइसेज रहेंगे इसके अंदर एलिजिबल डिवाइसेज इसमें अपडेट आएगा। और जो मैं अभी आपको डेटा बताने वाला या बोल सकते हैं जो भी मैं डिवाइसेज बताने वाला हूँ, ये फिलहाल मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, रूमर्स के हिसाब से, और इसमें अपडेट आ सकता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर सबसे पहले बात करें रूमर्स के हिसाब का कहना है कि सबसे पहले जो अपडेट आएगा वो आएगा S24 सीरीज पे और वो अगस्त में रिलीज होगा UI 7.0 का बीटा वर्जन। तो सबसे पहले बीटा वर्जन रिलीज होगा जो कि अगस्त के आसपास रिलीज होगा और उसका ऑफिशियली वर्जन टेस्टिंग के 2-3 महीने बाद, मतलब कि दिसंबर या जनवरी तक सबको रोल आउट होना चालू हो जाएगा। यहाँ पर कौन कौन सी डिवाइस में अपडेट आने वाला है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला जो अपडेट आएगा वो आएगा एस सीरीज में, जैसा कि मैंने आपको बताया। और तो जैसे ये गैलेक्सी एस सीरीज में पूरे में आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर S24, S24 प्लस, S24, S23 अल्ट्रा, S23 प्लस, S23, S23 FE, S22 अल्ट्रा, S20 प्लस, S22, S21 FE, S21 अल्ट्रा, S21 प्लस और S21, इन सब में आने वाला है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको साइड में स्क्रीनशॉट लगा के दिखा भी रहा हूँ। उसके बाद बात करें गैलेक्सी जेड सीरीज में, तो जेड सीरीज में आएगा गैलेक्सी जेड फोल्ड 6, जेड फोल्ड 5, जेड फ्लिप 6, जेड फ्लिप 5, जेड फ्लिप 4, जेड फोल्ड 4, जेड फोल्ड 3, जेड फ्लिप 3। उसके बाद जो गैलेक्सी ए सीरीज है मिड रेंज सीरीज उसकी बात करें तो उसमें आएगा A73, A72, A54, A53, A34, A33, A25, A24, A23, A15 और A14, जो A15 और A14 वाली सीरीज है दोनों 5G वाले पे आएगा। उसके बाद बात करें गैलेक्सी टैब सीरीज में, तो गैलेक्सी टैब सीरीज में आएगा S9 FE प्लस में, S9 FE में, S9 अल्ट्रा में, S9 प्लस, S9, S8 अल्ट्रा, S8 प्लस और S8। उसके बाद करें FF सीरीज में, तो F सीरीज में आएगा F54, F34, F15 और M सीरीज की बात करें तो M सीरीज में आएगा M54, M34, M53, M33 और M15। तो ये जो डिवाइसेस हैं इसमें अपडेट आने के चांसेस है और जैसे ही अपडेट रोल आउट होगा धीरे धीरे सभी मोबाइल्स में होना चालू हो जाएगा। और जैसे ही रोल आउट होगा तो आपको सबसे पहले वीडियोस मिल ही जाएगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले और हो सके इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।